Welcome to the fourth episode of Beams and Dreams with Jyoti Sethi. So guys, इस एपिसोड में हम लोग जिस एरिया का मेकओवर करने वाले हैं वो होने वाला है ये एरिया जो कि मेरा घर का एंट्रेंस है. तो मोमेंट यू एंटर माय हाउस दिस इज व्हाट यू सी. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ये फर्नीचर का पीस रखा है जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हैं और छोटी छोटी ऐसी कबर्ड सी बनी हुई है. सो इस मेकओवर के जरिए जो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे करना चाहती थी वो थी ये कि जब कोई हमारे घर में एंटर करे या हम खुद भी हमारे घर में एंटर करें तो सबसे पहली जो चीज और सबसे पहली जो वाइब आनी चाहिए वो जूतों की तो डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए. और जो चीज मैं चाहती थी कि हो वो डेफिनेटली एक थी इस फर्नीचर पीस को यहाँ से उठा के स्टोर रूम में डालना और थोड़ा सा खुला करना. बिकॉज अभी जैसे ही एंटर करते हैं बहुत सारी चीजें हैं, ये इतना बड़ा फर्नीचर का आइटम पड़ा है दैट आई रियली डोंट थिंक दैट यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू यू नो. ये एंट्रेंस वाली वाइब्स ही नहीं है ये, लाइक यू हैव टू हैव जितनी भी स्पेस आप ओपन रख सकते हो एंट्रेंस पे वो बहुत अच्छी चीज है. सो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि मैंने अपने इस एंट्रेंस का कैसे मेकओवर किया है और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो अपने एंट्रेंस के मेकओवर के लिए देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. सो आज है मेकओवर का पहला दिन और आज जो सबसे पहला काम मैं करने वाली हूँ वो होगा इस फर्नीचर के पीस को यहाँ से हटा के स्टोर रूम में रखना और इस जगह को बिल्कुल खाली करना. नाउ आई रिमूव द फर्नीचर पीस और अब ये जगह कुछ ऐसी दिखाई दे रही है. अब मैं शुरू करूँगी पेंटिंग का काम जिसके लिए मुझे चाहिए ये वाइट पेंट, एक रोलर और एक ब्रश, साथ ही साथ एक ट्रे. मैं इस ट्रे में डालूंगी इस पेंट को और इसको थोड़ा पतला करने के लिए उसमें बहुत ही कम पानी डालूंगी जिससे उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाए और पेंट करने में आसानी हो और इस तरीके से पेंट थोड़ा कम भी इस्तेमाल होता है. पर पेंटिंग शुरू करने से पहले मैं इन दीवारों को एक सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी और कोई भी डर्ट जो दीवारों पर हो सकती है उसको साफ़ करूँगी. नाउ वंस दैट इज़ डन आई एम गोइंग टू स्टार्ट पेंटिंग द वॉल्स. मैंने इस एरिया के लिए वाइट पेंट को चुना है बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट एनी ब्राइट कलर एट द एंट्रेंस. उससे मेरी जो एंट्रेंस की जगह है वो थोड़ी कंजस्टेड लग सकती थी, थोड़ी डार्क लग सकती थी, इसलिए मैंने वाइट पेंट चुना सो दैट ये जो स्पेस है वो बिल्कुल खुला खुला लगे. इस पेंट से दो कोट्स करने वाली हूं. और अभी दो कोट्स के बाद ये जगह कुछ ऐसी दिखाई दे रही है. शीशे के नीचे मुझे जो सिर्फ एक चीज चाहिए थी वो थी एक शेल्फ, जिसके लिए मेरे पास एक काफी पुराना एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ था किसी पुराने फर्नीचर में से, जिसको मैंने सोचा यहाँ पर यूज़ कर लिया जाए. लेकिन ये काफ़ी लंबा था तो इसको कटवाने के लिए मैंने कारपेंटर को बुलाया और उसको इस शीशे के साइज़ के मुताबिक कटवा लिया और अब दूसरे कारपेंटर को बुला के मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर लगवा रही हूँ. अब साथ ही साथ क्योंकि कारपेंटर वॉज हियर सो आई थॉट लगे हाथ मैं जो भी मुझे मिरर के बगल में कुछ पेंटिंग्स वगैरह लटकानी है उनके लिए भी हाथ के हाथ ड्रिल करवा लेती हूँ. Alright guys, this is day number 2 and we are gonna start doing a DIY for the mirror. This is the mirror that I have here. This is here basic because of the vastu reason. So when you enter any home, जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, when you enter a house, it should not have a dead entrance. Like there should not be any wall, as in dead wall नहीं होनी चाहिए जब आप किसी घर में enter करो. अगर वो होती है तो वो थोड़ी negative होती है. सो जो थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे पता है दैट आइदर यू प्लेस अ मिरर, अ बिग साइज मिरर ऑन द एंट्रेंस. अदरवाइज इफ यू डोंट हैव दैट ऑप्शन यू कैन ऑल्सो प्लेस अ लैंडस्केप, बहता हुआ पानी जो होता है झरने से उसकी पिक्चर भी आप लगा सकते हो फॉर पॉजिटिविटी. सो आई चोज दिस बिग साइज मिरर जो मैंने कटवाया था काफ़ी पहले जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे. नाउ दिस बेसिकली डजंट हैव अ फ्रेम एंड इट लुक्स रियली ऑड बिकॉज ऑफ दैट. सो आई वेंट टू द फ्रेम वाला भैया एंड आई आस्क्ड him what is going to be the kharcha. He gave me a lamba choda kharcha like 3000 rupees for only framing of this shisha, which I thought thoda sa zyada hai mere budget ke liye.
बिकॉज एंट्रेंस का जो बजट था मेरा वो बहुत कम था. सो मैंने दो चीज़ें सोची हैं. वी गोना ट्राई डूइंग वन ऑफ देम फर्स्ट ऑफ कोर्स. इफ इट वर्क्स आउट वेल एंड गुड, इफ इट डजेंट देन वी गोना डू द सेकेंड DIY. सो फॉर दैट आई हैव गॉट कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम स्टेशनरी एंड ऑल्सो फ्रॉम द पेंट स्टोर विच आर ब्लैक पेंट एंड द स्मॉल साइज रोलर. इफ दिस DIY डजेंट वर्क वी गोना ट्राई doing another DIY. For that we require this black tape. So I am basically gonna try painting the boundaries of this mirror to give an illusion जिससे वो लगेगा कि वो फ्रेम है बट वो फ्रेम नहीं होगा. सो पहले मैं पेंट के साथ ट्राई करने वाली हूँ. अगर वो अच्छा लगा तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं सिंपली चारों साइड पर ये ब्लैक चौड़ी वाले टेप लेके आई हूँ वो लगा दूंगी, जिससे वो भी एक इल्यूजन देगा फ्रेमिंग का, सिंस वी डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ बजट. सो सबसे पहले वाले DIY के लिए जिसमें मुझे पेंट करना है बाउंड्रीज को, मैं पहले यहाँ पे मास्किंग टेप लगाऊंगी सो दैट वो लाइन जो है पेंट की वो बिल्कुल क्लीन आए. सो आई एम गोना यूज द मास्किंग टेप चारों साइड पे. सो दिस इज़ हाउ विद द हेल्प ऑफ अ मास्किंग टेप आई हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री. अब मैं इसके जो बची हुई स्पेस है यहाँ पे सारे में पेंट को करूँ. Alright guys, the first coat is done and it looks fantastic. I'm so happy I tried this and I think it's gonna look alright. And सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है that we saved on a lot of money. Okay guys, थोड़ा सा time हो गया, I guess 10 minutes हो गया है. So I'm gonna remove the masking tape very early. Why? Because ये मैं जो paint use कर रही हूँ, I'm not really sure that इसकी पापड़ी नहीं उतर जाएगी जब मैं tape उतारूंगी. So I'm not gonna let it dry very much. I am quickly gonna remove the masking tape. All I want is guys, it looks so amazing. It actually looks like मैंने शीशे को frame करवाया है. This part is done. I am just gonna टेक अ वेरी थिन ब्रश, स्मॉल ब्रश. और जो ये जब मैं कल पेंट कर रही थी तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंट लग गया था. सो आई एम गोना डू दैट विद द हेल्प ऑफ अ थिन ब्रश. Now I'm just confused if I should paint this as well or not. I'm really, really confused. I'm still thinking. Let's see what I do. Okay, we're doing it, guys. अब जब तक सारा पेंट सूखेगा तब तक मैं उस टाइम को यूज़ करते हुए एक नर्सरी पर गई और वहाँ से मैंने स्पेस के लिए काफ़ी सारे प्लांट्स खरीदे. जो भी इंडोर प्लांट्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे वो मैंने यहाँ से ले लिए. उसके बाद नर्सरी से ही एक बंदा आके घर पे वो सारे प्लांट्स मेरे पॉट्स के अंदर फिट करके गया. सो दिस इज द थर्ड डे एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग डे वेर इन we are going to start placing all the beautiful things. First of all, I have these coasters kind of cheese जो कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी. तो यहाँ पे मैं इन दोनों को इस तरीके से प्लेस करने वाली हूँ और इनके ऊपर ये जो मैं कल प्लांट्स लेकर आई थी उनको यहाँ पे इस तरीके से रख रही हूँ. अब एक काफ़ी पुराना सा कैंडल होल्डर पड़ा था मेरे पास घर में,
कैंडल स्टैंड जैसी चीज़ जिसको मैं इस कोने में लगा रही हूँ, और साथ ही बुद्धा जी की ये एक मूर्ति है जिसको मैं सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद ये मिरर के ऊपर लगाने के लिए मेरे पास शीन की ये कुछ फेरी लाइट्स पड़ी हुई थी जिसको मैं इस तरीके से मिरर के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। फिर उसके बगल वाली वॉल पर मैं यहाँ ये दो ऐसी ही थोड़ी मतलब प्लांट्स और ये थोड़ा ग्रीनरी टाइप की फील वाले फ़ोटोज़ हैं जिनको मैं फ्रेम करवा के लेके आई थी, और यहाँ पे मैं उसको टांग रही हूँ। और अब जो ये थोड़ी सी बची हुई फेरी लाइट थी उसको मैं इस तरीके से फ्रेम के ऊपर से लेके आ रही हूँ, सो दैट थोड़ी जब ये फेरी लाइट जले तो फ्रेम्स भी अंधेरे में थोड़े बहुत नज़र आए। नाउ द नेक्स्ट थिंग फॉर द फ्लोर इज़ दैट मैं ये जूट का छोटा सा रग मंगवाया था अमेज़ॉन से, उसको मैं यहाँ पे प्लेस करके उसके ऊपर मैं एक ये बास्केट रख रही हूँ जिसके अंदर मेरा ये मनी प्लांट है, और उसके साथ ही साथ आई थिंक ये लिली फ्लावर्स हैं उसका एक प्लांट भी रख रही हूँ, और साथ ही साथ ये तीसरा एक और प्लांट है, वो सारे के सारे प्लांट्स मैंने इसी जूट के रग के ऊपर मैंने रख दिए। सो बेसिकली आई एम एडिंग अ लॉट ऑफ प्लांट्स एट द एंट्रेंस। अब इसके बाद मेरे पास एक ये पीआर बॉक्स में शुगर कॉस्मेटिक्स की तरफ से एक छोटी सी फेरी लाइट आई थी किसी पीआर बॉक्स के अंदर, तो मैंने सोचा कि अंधेरे में ये नीचे वाले प्लांट्स हो सकता है कि दिखे नहीं, तो इसलिए मैं इस फेरी लाइट को इन प्लांट्स के अंदर प्लेस कर रही हूँ सो दैट अंधेरे में जब मैं ये जलाऊँ तो प्लांट्स भी नज़र आएँ। एंड या दिस इज़ इट गाइज, वी आर डन नाउ, लेट मी शो यू द बिफोर एंड आफ्टर ऑफ दिस प्लेस। अगर आपको कोई भी इंस्पिरेशन मेरे इस एपिसोड से मिलती है और अगर आप कोई भी ऐसा आइडिया अपने घर में यूज़ करते हैं, देन डू नॉट फॉरगेट टू टेक अ पिक्चर ऑफ दैट एंड ऑल्सो टैग माई इंस्टा हैंडल। एंड या दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ बीम्स एंड ड्रीम्स विद ज्योति सेठी, जिसमें हम करने वाले हैं अपने किसी बेडरूम का मेकओवर। सो या स्टे ट्यून्ड एंड या आई विल सी यू गाइस वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।